चिल्ड्रेन, हिंदी में हमने व्याकरण निधि में वचन पाठ को पूरा कर लिया है ना। आप सब अपनी कॉपी में भी कर लिए होंगे व्याकरण निधि के। तो आज हम हिंदी पल्लव में पाठ आठ पढ़ेंगे। पाठ आठ, पाठ का नाम गया का घर। इससे पहले हम क्या पढ़े हैं इसमें पल्लव में, पाठ सात पढ़े हैं गांव का बचपन, है ना। आज हम पाठ आठ पढ़ेंगे बया का घर। तो पहले हम कहानी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कहानी है, इसमें कहानी से पहले एक बार हम शब्दार्थ देख लेते हैं, ठीक है। शब्दार्थ, शब्दों से दोस्ती। बया एक तरह का पक्षी है, जैसे बया का घोंसला देखने में सुंदर होता है। बया क्या है? एक तरह की पक्षी, एक तरह का पक्षी। कर्तव्य, कर्तव्य का कला। बंदर ने मदारी के इशारे पर खूब कर्तव्य दिखाया, खूब कला दिखाया। नन्ना, नन्ना का अर्थ अत्यंत छोटा। नन्ना मुन्ना कहते नहीं है, नन्ना, नन्ना का अर्थ अत्यंत छोटा। चिड़िया के नन्हे बच्चों ने ची ची करके गाना गाया। अंतर, अंतर का अर्थ फर्क, बदलाव। अंतर का अर्थ फर्क, बदलाव। कल्पना, कल्पना का अर्थ दुखी होना। कल्पना का अर्थ दुखी होना। नौकर कल्पने लगा और कहा, मालिक मुझे नौकरी से मत निकालिए। मतलब नौकर दुखी होने लगा और कहा, मालिक मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगला है भड़क। भड़क का अर्थ क्रोधित, क्रोधित। भड़क का अर्थ क्रोधित। जैसे शरारती बच्चों को देखते ही अध्यापिका भड़क उठी, शरारती बच्चों को देखते ही अध्यापिका भड़क उठी। तो ये क्या है? बया का अर्थ एक तरह का पक्षी है। बया क्या है? एक तरह का पक्षी है। कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ कला होता है। नन्ना, नन्ना का अर्थ अत्यंत छोटा। अंतर, अंतर का अर्थ फर्क, बदलाव। कल्पना, कल्पना का अर्थ दुखी होना। भड़क, भड़क का अर्थ क्रोधित, ठीक है। तो आज आप क्या करेंगे, ये शब्दार्थ को याद करेंगे आप, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? आज आपको इस शब्दार्थ को याद करना है और अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे शब्दार्थ को। पल्लव की कॉपी में पाठ आठ डालेंगे, पाठ आठ के बाद बया का घर, फिर लिखेंगे शब्दों से दोस्ती। शब्दों से दोस्ती के बाद इस सारे शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। फिर हम इस कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके, थैंक यू।